स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में, मैं हूँ आबिद हुसैन शेख। पद्मश्री से सम्मानित इब्राहिम सुतार का निधन। आधुनिक सूफी संत कन्नड़ा कबीर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इब्राहिम सुतार आज सुबह अपनी आखिरी सांसें ली। 76 साल के इब्राहिम सुतार बागलकोट जिला महालिंगपुर निवासी। इनके परिवार में पत्नी, एक बेटा, 2 बेटियां हैं। राज्य भर में अपने प्रवचनों के बोल से लोगों को आकर्षित करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बने इब्राहिम सुतार। राज्य का उन्नत पुरस्कार, कर्नाटका राज्य उत्सव पुरस्कार सहित कई सम्मानों से सम्मानित किया गया था इब्राहिम सुतार को। आज इन्हें दिल का दौरा पड़ने से अचानक मौत पर सियासी, समाज और धार्मिक गुरुओं ने अफसोस जाहिर किया है इनके निधन पर। इनके संदेश और प्रवचन चाहने वालों के बीच हमेशा मार्गदर्शन करते रहेंगे। मुझे तो बस हो गया है, रोज सरकारी वालों का इंतजार करूं, फिर दाम कम करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करूं। अरे दीदी, अब बिगोज है ना, वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ, अच्छे डिस्काउंट के साथ, 30 मिनट में आपके घर तक। सच में? जी हाँ, क्या नाम बताया आपका? बिगोज, अभी डाउनलोड करो और घर बैठे जो चाहे वो मंगाओ। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।